मैं जेवीए न्यूज़ से गीता पटेल आज हूँ। मैं जुहू के एरिया में, जुहू तारा रोड, शिवाजी नगर, यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी हुई है या नहीं ये कहना मुश्किल है। जब ये केस मेरे पास आया तब मुझे ये बताया गया कि यहाँ जो इनके ऑनर हैं उन वो मतलब बच्चों को घर के अंदर रखते हैं, उनको बाहर नहीं निकालते, उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन अभी आज सुबह मुझे मेरे रिपोर्टर से ये खबर मिली कि बच्चों को अबेंडन कर दिया गया, उनके ऑनर ने किया। और जब उनके ऑनर से बात हुई तो उनका कहना है कि हमने अबेंडन नहीं किया, हमने उनको खाली वहाँ पे रखा हुआ है जूहू पे, और हम इनको ले जाएंगे क्योंकि लोग इतना परेशान कर रहे हैं वहाँ पे कि ये हमें वहाँ पे रखना अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ उनको छोड़ दिया है, लेकिन हम उनको लेके जाएंगे। तो उनका मानना है कि उन्होंने अबेंडन नहीं किया। तो जिस रिपोर्टर ने ये पूरी जानकारी दी थी मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ। हाँ मानसी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं मानसी मोहिते हूँ। आई रेस्क्यू कैट्स एंड डू द ट्रीटमेंट्स ऑफ द कैट्स, द माइनर ट्रीटमेंट्स एंड दीज डॉग्स। मैंने इनको यहीं पे घर में देखा था पहले। उनने 4x4 के रूम में 6 डॉग्स को उनके पपीज के साथ रखा हुआ था। उसके बाद उनसे मैंने पूछा अभी कि आप क्या करने वाले हो डॉग्स को, तो उनने कहा हम स्टेरिलाइजेशन वगैरह करा देंगे सब और अडॉप्शन के लिए डालने वाले। फिर 1 महीने बाद अभी कल पता चला कि वो रूम खाली करके निकल गए और डॉग्स को जू बीच पे बांध के गए थे। उसमें से ये एक डॉग, ये तो कल रात से यहीं पर सोया है इस सीढ़ी पे और घर के सामने, क्योंकि वो वेट कर रही है कब से कि कब पपीज आएंगे और कब ओनर्स आएंगे। और ये डॉग्स रोड पे ही घूम रहे हैं पूरा दिन, गाड़ी के बीच में आ रहे हैं वगैरह सब। मतलब इन्होंने तीन डॉग्स को अबेंडन किया। तो इनका अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है? तीनों में से किसी का भी ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ है। अभी जो हमारा मसला चल रहा था एनिमल्स को लेके, वहाँ पे ऑनर हमारे साथ में है और उनका कहना है कि उन्होंने ये मजबूरी के चलते ये सारा स्टेप लिया। तो हम उनसे ही बात करें। जी नीलेश, आप मुझे बताइए आपकी क्या मजबूरी थी? एक्चुअली मजबूरी ये थी मेरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी और प्लस मेरे को हाउस का भी इशू हो रहा था डॉग्स को लेके, तो मेरे पास खुद को रहने के लिए नहीं था, तो बोल के मुझे इनको एक दिन के लिए छोड़ना पड़ा। एक दो दिन के लिए मेरे को छोड़ने का ऑप्शन लगा बिकॉज मेरे पास खुद के पास रहने के लिए नहीं था, तो उन लोगों को मैं लेके 6 डॉग्स थे मेरे पास, कहाँ लेके जाता था? होटल्स वाले, लॉन्च वाले भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को एक्सेप्ट करते थे, बड़े को नहीं करते, बड़े की आवाज़ आती है। बोल के मुझे खाली उनको चौपाटी पर छोड़ना पड़ा था और कुछ ऑप्शन नहीं था। अभी जैसे कि मेरे पास घर है तो मैं उन लोगों को रखने के लिए ना नहीं बोल रहा हूँ, मुझे रखना है। तो अभी नीलेश ने बच्चों को वापस से एक्सेप्ट कर लिया है, उनको यहाँ पे एक रूम अरेंज उन्होंने करवा दिया है जिसका वो रेंट भी भरने के लिए रेडी है। बच्चे अब अच्छे से हैं, सही से हैं, ऑनर के पास हैं और ऑनर अब उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार है। इसलिए हम लोग बहुत थैंक्स बोलते हैं लोकेलिटी को, क्योंकि यहाँ की लोकेलिटी अच्छी है, लोग अच्छे हैं। अगर उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम लोगों तक पहुँचाई होती तो शायद 10 हाथ इनको मिल जाते हेल्प के लिए और बच्चों को इतना हरेसमेंट नहीं होता जो उनको कल रात से हुई है। तो मैं गीता पटेल जेवीए न्यूज़ से अपने दर्शकों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, पाल ग्रुप, सुधीर सर और करीमा मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ।